ये वाला वो शिप है जो इधर से अभी मेरे सामने गया है और वहाँ रुक गया, वो वहाँ सामान अनलोड हो रहा है और ये सारे कंटेनर पड़े हुए हैं और इसके पीछे बहुत बड़ा शिपयार्ड है ये। भाई साहब इतनी दूर खड़ा था फिर भी पानी मेरे पैरों तक पहुंच गया और ऐसा लग रहा पूरा शैम्पू डाला हुआ है इसके अंदर। बढ़िया रगड़ के नहा लो, पर ठंड इतनी है सोचना भी पाप है। थैंग चांग थी चियो। ये कपल बने हुए हैं पत्थर के, इसका मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पर आकर फोटो खिंचवाता है तो वो लोग हमेशा एक साथ रहे, मैरिज लाइफ हैप्पी रहे। तो जो भी फ्यूचर में कपल बनना चाहते हैं कुछ भी है तो यहाँ पर आकर एक कपल फोटो जरूर लेते हैं। ये देख लीजिए, कोई विश मांग लो पूरी हो जाएगी। इच्छा का पेड़ है अर्थात यदि आप एक प्लेट लिखते हैं और इसे डालते हैं तो इसे महसूस किया जाएगा।这一个是一个叫陈杰写的，上面写的愿爸爸妈妈永远身体健康，万事如意。यह एक चैन जी द्वारा लिखा गया था जिस पर लिखा गया था मां और पिताजी हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। ओके हां जी, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, कैसे हो आप सब लोग? मैं बढ़िया हूँ और आज पहुंच गया हूँ मैं चाइना की शेंजन सिटी के डमीशा बीच पे। बीच बहुत ही शानदार है और मेरे होस्ट भाई मुझे यहाँ लेके आए हैं इस बीच पे और भाई इतनी बढ़िया खातिरदारी कर रहे हैं, 3 दिन से लगातार मुझे कहीं ना कहीं घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं, खिला रहे हैं और गाड़ी में घुमा रहे हैं, पूरी सर्विसेज दे रहे हैं भाई मुझे ऐसी कि जब ये इंडिया आएंगे तो मुझे इनकी खातिरदारी बहुत अच्छे से करनी है। कुछ लोग होते हैं ना कि जो दिल में उतर जाते हैं, तो ये भाई अपने दिल में उतर गया है और भाई के चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है कि ऐसा नहीं है कि बंदा मेरे पास आया है, रुका हुआ है, कब जाएगा भाई। और मुझे 3 दिन हो गया इनके साथ, 3 दिन लगातार इनके पास रुका हुआ हूँ और सुबह से लेके रात तक का खाना, कॉफ़ी कुछ भी है सब कुछ बाहर से, और चेहरे पर एक शिकन नहीं होती कि कब जाएगा घर या कब जाएगा यहाँ से, कुछ नहीं। भाई खुद ही बोलता है आज मैं आपको यहाँ लेके जाऊँगा, आज वहाँ लेके जाऊँगा। ऐसे ही मेरे होस्ट है वुहान में, उसने भी मुझे बढ़िया मेहमान नवाजी दिखाई अपनी और अब इन भाई ने। तो ये है कुछ बीच यहाँ का, सारे होटल्स उधर भी होटल बने हुए हैं, व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ का, नारियल के पेड़ लगे हुए हैं और लहरें बहुत तेज आ रही हैं इस तरफ। इसी बीच के पीछे की साइड में है बहुत बड़ा शिप यार्ड, तो इस समुंदर के पहाड़ के पीछे की तरफ बहुत बड़ा यार्ड है शिप का, वहीं से सारा कार्गो का सामान इंडिया में जाता है। इंडिया के जो भी बिजनेसमैन सामान खरीदते हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का वर्ल्ड का सबसे बड़ा हब है शेंजन में ही, तो यहीं से सामान खरीदते हैं और पूरे देशों में शिप के माध्यम से ये सामान पहुँच जाता है। और पहाड़ इतने बड़े बड़े नहीं है बट पहाड़ों पर भी होटल बने हुए हैं, ये भी हाइट पे बना हुआ है, तो नज़ारा कुछ बहुत अच्छा है। अभी लोग स्विम नहीं कर रहे क्योंकि ठंड बहुत है, पर कुछ ना कुछ उस तरफ एक्टिविटीज ज़रूर कर रहे हैं। भाई साहब इतनी दूर खड़ा था फिर भी पानी मेरे पैरों तक पहुंच गया और ऐसा लग रहा पूरा शैम्पू डाला हुआ है इसके अंदर। बढ़िया रगड़ के नहा लो, पर ठंड इतनी है सोचना भी पाप है कि यहाँ पर छोटे छोटे शिप भी चलते हैं, आप शिप की राइड भी यहाँ ले सकते हैं और पर्सनल शिप जो होता है, जो मोटर वाला होता है, वो भी यहाँ बहुत सारे खड़े हुए हैं और रात को म्यूज़िक, डांस, बार सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अभी दिन का टाइम है तो इतनी रौनक नहीं लग रही, पर उस तरफ प्रिपरेशन चल रही है रात की, खाना पीना, पीछे बोन फायर सब कुछ होता है। शैनजन आ रहे हैं तो आप इस बीच पर ज़रूर आइएगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि भाई मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ बोले, आपसे बात करे, पर भाई को इंग्लिश आती नहीं है तो भाई सिर्फ हंसते रहते हैं मेरी वीडियो में, आपने देखा होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाते हैं, बट ट्रांसलेट के थ्रू कहते हैं कि आप आओ चाइना घूमो, हम सब दोस्त हैं और भाई भी इंडिया आएंगे, जब भाई इंडिया आएंगे तो आपको भाई से इंडिया में मिलवाएंगे, इंडिया में घुमाएंगे इनको। ये देख लीजिए कितना बढ़िया पुल बना रखा है इन्होंने, और ये जिन बोट की बात कर रहा था मैं
वो वाली मोटर बोट है कि आप सिंगल भी लेके जा सकते हो कुछ हद तक, बाउंड्री का रखी है। थैंक यू शेशे। तो इन्होंने फोटो खींच दी हमारी बवा है। तो दोस्तों मैंने अपने होस्ट से पूछा कि ये पत्थर का कुछ मतलब है या क्या है, तो इन्होंने बताया इसका मतलब है थ्यांग छी ते छियो, थ्यांग छांग ती छियो, थ्यांग छांग ती छियो। ये कपल बने हुए हैं पत्थर के, इसका मतलब ये है कि कोई भी यहाँ पर आकर फोटो खिंचवाता है तो वो लोग हमेशा एक साथ रहे, मैरिज लाइफ हैप्पी रहे। तो जो भी फ्यूचर में कपल बनना चाहते हैं कुछ भी है तो यहाँ पर आकर एक कपल फ़ोटो ज़रूर लेते हैं, या जो कपल बन चुके हैं शादी के बाद यहाँ पर आकर फ़ोटोज़ ज़रूर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कपल लंबे समय तक एक साथ रहें, ज़िंदगी भर तक एक साथ रहें और यहाँ पर आकर एक यादगार फ़ोटो ज़रूर। और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको, ये बीच है और बीच के पास ही देखिए पावर बैंक आपको मिल जाएगा, बैटरी ख़त्म हो गई तो। पूरे चाइना में भाई आपकी बैटरी तो ख़त्म नहीं होगी मोबाइल की, अगर आपकी जेब में पैसे हैं, मतलब आपके ऑनलाइन अली पे में पैसे हैं तो। ये बारकोड स्कैन करो, 2-3 यून डिटेक्ट होंगे, पावर बैंक इसमें से बाहर आ जाएगा, उसको यूज़ करो, दोबारा देखो ये जैसे खाली है इसके अंदर लगा दो और छोड़ दो, यहाँ से लो दूसरी मशीन में लगा दो, उधर से लो कहीं और लगा दो। तो चाइना में भाई कहीं भी चले जाओ मोबाइल की या कैमरे की बैटरी तो ख़त्म नहीं होने वाली जेब में पैसा है तो। और आपको बताइए कि लाइफ इज़ नथिंग विदाउट मोबाइल, घर में अगर टीवी भी चल रहा होगा तो हम लोग मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो बिना मोबाइल के कुछ नहीं है। तो चाइना ने तो ये जुगाड़ निकाल दिया है कि कहीं भी चले जाओ आपका मोबाइल तो बंद नहीं होगा। ये कुछ बॉट्स खड़ी हैं देख लीजिए, और वो पर्सनल राइड के लिए हैं। कुछ रेस्टोरेंट्स इधर बने हुए हैं, और शायद हमारे भारत की तरह पेड़ों पे विश मांगी जाती है तो चाइना में भाई सेम है, चाइना में भी धागा बांधा जाता है विश पूरी करने के लिए। मैं अपने होस्ट से क्या पूछूं ये बता ही रहे हैं। चलो ओ, लिखा भी हुआ विशिंग ट्री देख लो, मैंने तो आइडिया लगाया था। ये देख लीजिए कोई विश मांग लो पूरी हो जाएगी। यदि आप एक प्लेट लिखते हैं और इसे डालते हैं तो इसे महसूस किया जाएगा। 这一个是一个叫陈杰写的，上面写的愿爸爸妈妈永远身体健康，万事如意。 यह एक चैन जी द्वारा लिखा गया था, जिस पर लिखा गया था मां और पिताजी हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। ओके। तो ऐसी बहुत सारी लोगों ने अपनी अपनी विश लिख के इस पेड़ पे बांध दी है। अभी इन्होंने बताया कि इस पे किसने लिखा है कि मेरे माता पिता हमेशा स्वस्थ रहें और खुश रहें। तो हमारे भारत में भी ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं, हम भी अपनी विश पूरी करने के लिए ऐसे धागे बांध दिया करते हैं। Yes. कुछ चीज़ें भारत की और चाइना की सिमिलर हैं, जैसे आपने देखा विशिंग ट्री यहाँ भी है। Cheers. तो दोस्तों भाई मेरी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं, आप देखो बीच पे बैठे हैं तो बोल रहे हैं पहले कुछ खाएंगे, अभी कॉफ़ी मंगा ली, ये खाने का कुछ आइटम मंगा लिया इन्होंने, और मैंने बोला कि पैसे मैं दूंगा, भाई ने बोला कि आप चाइना में मेरे मेहमान हो आप पैसे नहीं दे सकते, तो मैंने बोला जब आप भारत आओगे तो आपकी मेहमान नवाजी हम करेंगे। फिर अब देख लो हॉस्पिटैलिटी कैसी है चाइना के लोगों की। और ये देखिए कुछ चाइना की दूसरी सिटीज से ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। ओके okay. okay. 我要了咖喱牛肉炒饭。ओके ओके 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 ओके। तो भाई ने देखिए राइस मंगा दिए मेरे लिए, मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरी वीडियो में कुछ ना कुछ बोले बट ये बोल ही नहीं पा रहे, सिर्फ एक स्माइल पास करते हैं और सारी बात हमारी इस ट्रांसलेटर के थ्रू हो पाती है। ये वाला जो लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था ये है तो बात हो पा रही है, नहीं तो हमारी बात ही ना हो। बस इसके बिना ये मुझे देख के हंसते रहते हैं और मैं इनको देख के हंसता रहता हूँ और कोई बात हो ही नहीं पाती है।
दोस्तों अभी हमने ये सामने यहाँ नीचे लंच किया और यहाँ से घूमते घूमते आ रहे हैं इसकी वॉक करते हुए, और रास्ते इतने बढ़िया बना रखे हैं इन्होंने, पुल ब्रिज बना रखे हैं छोटे छोटे, और फोटोज़ के लिए बहुत सारे व्यूज़ हैं। देखिए जैसे ये चांद है, चांद के पीछे खड़े हो जाओ फ़ोटो खिंचवा लो, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट दिए हैं इन्होंने कि जहाँ पर आप रुक के बहुत बेहतरीन फ़ोटोज़ ले सकते हैं। देखिए अगर आपको ऊपर से व्यू लेना है पहाड़ों से, तो पहाड़ों पे भी रास्ता बना रखा है इन्होंने। ये देखिए हम जब किसी फॉरेनर से मिलते हैं ना, इंग्लिश में बात करते हैं, बात तो कर लेते हैं, बट दिल की भावनाएं जो होती हैं सबकी, वो हम शेयर नहीं कर पाते। और जो इनके पास ट्रांसलेटर है ना, उसमें आप हिंदी में बोलते रहो, दिल से जो बोलना है, दिल की गहराइयों से जो बोलना है आपको, बोलते रहो, वो इनको समझ आता रहेगा। ये भी अपने मन की बात कोई भी मुझे बता रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल क्लियर समझ आ रही है। तो मुझे ये ट्रांसलेटर बहुत बेस्ट लगा, बट ये भाई 60,000 रुपये का है। अब इससे छोटे वाले भी हैं, वो इतना काम करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, क्योंकि ये जो इनके पास है ये बिना वाईफाई के चल रहा है, सिर्फ इसको चार्ज करना है और यूज़ करना है। हम लोग वहाँ से आए थे और घूमते 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 इधर जा रहे हैं। भाई साहब ये देखो, चीन ने इस समुंदर की बाउंड्री के पास ये ब्रिज बना दिया, और इस ब्रिज के ऊपर ये सोलर लाइट लगा रखी हैं इस ग्रिल के ऊपर। देखिए दिन में चार्ज होती हैं और रात को इसमें चलती हैं लाइटें। सोचिए रात को कितना गजब लगता, ज़बरदस्त नज़ारा है। और ब्रिज के ऊपर बहुत सारे कैमरे लगे हुए हैं सेफ्टी सिक्योरिटी को देखते हुए। और ये पीछे देख रहे हैं ये वाला, ये समुद्री जहाज़ जा रहा है कार्गो का सामान लेके, इसके पीछे ही शिप यार्ड है बहुत बड़ा। दोस्तों मैं जब भी किसी ट्रिप पे जाता था तब मैं इतनी फ़ोटोज़ नहीं लेता था, सिर्फ वीडियोस बनाता था, पर चाइना की सुंदरता, चाइना की ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इतनी अट्रैक्ट कर रही हैं कि मुझे बार बार फ़ोटो लेनी पड़ रही है अपनी, क्योंकि व्यू इतना अच्छा है और भाई साथ में है, तो भाई मेरी खुद ही फ़ोटोज़ ले रहे हैं। और चाइना में अगर आप आते हो तो चाइना में देखना, घर घर में, हर घर में बच्चों के हाथों में कैमरे हैं, और हर कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपको मिल जाएगा। मतलब ये नहीं कि 100 के 100 लोग होंगे, 100 में से 60 से 70 लोग आपको मिल जाएंगे कि जो प्रोफेशनल फ़ोटो खींचना जानते होंगे, और सबके हाथ में कैमरा होगा। तो दोस्तों इस जगह का नाम है डमीशा कोस्टल पार्क, या डमीशा कोस्टल वॉकवे, या ये जो भी कुछ लिखा हुआ है, तो इसको फॉलो करके आप आ सकते हैं इस बीच पे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर शिप यार्ड है, तो ये देखिए कितने सारे कंटेनर पड़े हुए हैं इसके अंदर, और बड़े बड़े क्रूज़, बड़े बड़े शिप इसके उस तरफ खड़े हैं जो सामान लोड और अनलोड करते हैं। अभी एक बड़ा शिप आया इधर से और यहाँ पीछे आके रुक गया, तो जिस शिप की बात कर रहा था ये वाला वो शिप है जो इधर से अभी मेरे सामने गया है और वहाँ रुक गया, वो वहाँ सामान अनलोड हो रहा है। और ये सारे कंटेनर पड़े हुए हैं, और इसके पीछे बहुत बड़ा शिपयार्ड है ये। और देखिए एक शिप इधर खड़ा है और एक शिप उधर से आ रहा है। भाई साहब चाइना देखो क्या क्या किया हुआ है, पहाड़ों पे चल रहे हैं, ऊपर ये एक छोटा सा बेंच या छोटा सा स्टैंड बना दिया, यहाँ आप वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ आप वाईफाई से स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं, और ये आपका स्पीकर भी है, और ये वायरलेस चार्जर भी है, तो इनका मोबाइल चार्ज हो रहा है इससे। और देखिए वाईफाई, ब्लूटूथ, ये स्पीकर है, और ये बैटरी का निशान है, और अगर वायर है, चार्जिंग केबल है, तो यहाँ पे सीधी अपनी लीड लगा दीजिए, चार्ज हो जाएगा। इसके ऊपर लगा हुआ है सोलर पैनल, धूप से चार्ज होता है, और फिर आप ये सारी चीज़ें फ्री में यूज़ कर सकते हो। दोस्तों चाइना के कुत्ते देख लो कितने बढ़िया हैं, टेडी बियर सा लग रहा है बिल्कुल। देख लो कितना बढ़िया कुत्ता लग रहा है यार, इंसान से ज़्यादा टेक केयर लग रहा है इसकी करी हुई इन्होंने, कटिंग वगैरह बाल। पहले मुझे लग रहा था कोई डमी है भाई, तो पूंछ भी हिला रहा है, गर्दन हिला रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है यार। बाल देख लो इसका। तो दोस्तों बीच एक्सप्लोर कर लिया हमने,
ये है भाई की कार, ब्लैक कलर की। भाई के पास भी होंडा की कार है ये। और जिस दिन भाई के पास आया था, भाई ने बोला कि मैंने गाड़ी काफ़ी दिन से चलाई नहीं, तो भाई की पार्किंग में गाड़ी गंदी खड़ी हुई थी। जब मैं आया, भाई मेरे को लेके गए साथ, गाड़ी धुलवाई हमने, और 3 दिन से भाई लगातार इसी गाड़ी में घुमा रहे हैं। तो ये अर्टिगा जैसी कुछ है, 7 सीटर, पर गाड़ी अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं हो, पर गाड़ी 10 साल पुरानी है। तो भाई कह रहे हैं कि चाइना में कोई रूल नहीं है कि गाड़ी 10 साल या 15 साल बाद बंद हो जाएगी। हाँ बताओ, मैं गाड़ी के पास खड़े होकर वीडियो बना रहा हूँ और भाई अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं। बताओ, मुझे लगा कि भाई उधर कहीं काम से गए हैं और ये अपनी गाड़ी ढूंढ रहे हैं वहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ भी जो आगे बैठेगा या जो पीछे बैठेगा, सब लोगों को बेल्ट लगाना मैंडेटरी है। दोस्तों, ये जो है सामने वाली शेनजन की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, और जो सेकंड नंबर पे है, वहाँ पर मैंने लंच किया है। इन भाई ने करवाया था, भाई ने बोला कि फ्राइडे सैटरडे संडे को यहाँ नाइट में लाइट शो होता है, तो अभी जो शो देखा आपने वो वही था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दिया करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।